ये रही देखिए छोटू सी साड़ी। तो ये देखिए ये येलो कलर का लहंगा, ये सारी ड्रेसेस पहन लो उसकी, ऐसे 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 कर, इतना क्यूट सा है ना। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 हो गया है और मम्मी गई है ब्रेकफास्ट बनाने। चीनी अभी सो रही है तो सोचा फटाफट फटाफट से मतलब सारा काम निपटा लें। और अभी छत में ना बहुत अच्छे अच्छे पुदीना हुए हैं तो उनको देख के ना आज कंट्रोल ही नहीं हुआ, सोचा कि आज तो इनकी चटनी बनानी ही पड़ेगी। इतने फ्रेश फ्रेश सा मिंट अगर घर पे हो तो किसका मन नहीं करेगा भाई चटनी खाने का। तो अभी मैं वही लेने के लिए अभी आई थी छत पर। तो अभी जा रही हूँ नीचे, मम्मी शायद अभी पराठा बनाने का प्रिपरेशन कर रही होगी, बाकी मैं सब अभी डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी जब तक वो सोई है। फिर वो उठ जाएगी ना फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाथ में दूध भरा रहता है, करता है थमा दूध करता है नाथनी दूध करता है सुनमुनू ऐसे ही करता है। तुम रबर प्लांट नहीं लो, धीरे धीरे हम बालकनी में फिर गास रखता है। हाथे हाथे दूध है हम लोग। ये देखो अमर नाथनी दूध पीता है। ये देखो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज आ गई हूँ मैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं ब्लॉग में ये दिखाने वाली हूँ कि इप्सिता के लिए हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो अभी ना उसका अन्नप्राशन है, अभी तक आप लोगों को अनाउंस नहीं किया था तो आज मैं अनाउंस कर देती हूँ। इप्सिता का जो अन्नप्राशन है वो 22 मार्च को है। तो हम लोग जा रहे हैं कोलकाता, तो उसका जो अन्नप्राशन है वो कोलकाता में ही होगा। और मेरे एक जेठ जी है उनका जो बेबी हुआ है वो भी मतलब मेरे जब इप्सिता हुई थी उससे 5 दिन की छोटी है। तो हम दोनों मतलब बच्चियों का जो अन्नप्राशन होगा वो साथ में ही करने वाले हैं। तो अभी कोलकाता जाने के लिए वहाँ पे तो अभी वेदर काफ़ी मतलब गर्मी का पड़ चुका है, तो यहाँ पे तो सारी उसकी ठंडी के ही कपड़े थे। तो गर्मियों के कपड़ों में कुछ कुछ हमने शॉपिंग की है अभी, और परसों पापा भी शायद एक फ्रॉक लेके आए थे। तो गिन चुन के उसके पास 8-9 ड्रेस हो गया है तो काफ़ी है। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाती हूँ मतलब कितनी क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस मतलब हम लोगों ने शॉपिंग की है। एक्चुअली ना लड़कियों की मतलब जो ये बेबी गर्ल्स होती है ना उनकी शॉपिंग करने जाओ ना दिमाग एकदम घूम जाता है कि क्या छोड़े और क्या ले। सब इतने क्यूट, मन करता है कि पूरा दुकान ही उठा ले। तो अभी हमने कुछ ही सिलेक्टेड मतलब कुछ तो हमने ऑनलाइन मंगवाए हैं और कुछ यहाँ ऑफलाइन से ही लिया हुआ है। तो ऑनलाइन जो जो मंगवाया वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और जो ऑनलाइन लिया है हमने वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे मैंने क्या बोला, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी नहीं, चलो ये जो भी है मैं आपको अभी जब शेयर करूँगी ना तो फिर से बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। पुलिस अंकल हैं, पापा के फ्रेंड हैं, तो वो भी ना जब आए थे अभी कुछ दिन पहले तो गिफ्ट लेके आए हुए थे। तो उन्होंने ये वाला जो फ्रॉक है ये गिफ्ट किया हुआ है, ये देखिए छोटू सा बॉल फ्रॉक, कितना सारा घेरा है इसमें, अंदर से इतना सारा नेट के फ्लेयर्स है ना इसमें, एकदम फुला सा रहता है नीचे ऐसे रखो तो। तो ये पार्टी वेयर फ्रॉक है इसका। और ये देखिए इतने छोटे छोटे से क्यूट क्यूट अंडरवेयर्स, ये सब तो मतलब गिफ्टेड है। क्यूट क्यूट से दो ये शूज लेके आए थे और एक ये वाला ड्रेस था समर ड्रेस ये रहा, और ये इसके नीचे का पैंट। तो पहले मैं आपको वो ड्रेसेस दिखाती हूँ जो हमने ना ऑफलाइन से यही मार्केट से परचेज की है। तो मार्केट से ही ली हुई जो जो ड्रेस पहले मैं आपको वो दिखाऊंगी, उसके बाद जो हमने ऑनलाइन ड्रेसेस मंगवाई है वो दिखाऊंगी। तो ऑफलाइन में ये देखिए इतना प्यारा सा ये एक फ्रॉक है, इसमें देखिए छोटे छोटे डॉट्स है, बहुत प्यारा कपड़ा है, इतना प्यारा है ना ये फ्रॉक, देखिए इतना सारा घेर है इसमें। पहला ड्रेस इतना क्यूट सा है ना, ऐसा ड्रेस मतलब बहुत प्यारा सा ड्रेस है, इसके जो है पापा लेके आए हैं। देखिए ये है डेनिम का फ्रॉक,
ये है इसका पहला वाला सेट। ये रहा एक और फ्रॉक, ये देखिए, ये है ऑलिव ग्रीन कलर में, बहुत प्यारा सा है, क्यूट क्यूट सा फ्रॉक। तो हमने थोड़ा बड़ा ही लिया क्योंकि बच्चे तो देखते देखते बड़े हो ही जा रहे हैं, ये भी बड़ी हो जा रही है, तो थोड़ा बड़ा ही लिया है। अभी उसको जैसे फुल फ्रॉक आएगा तो अभी एक दो महीने में वो उसको फिटिंग का आ जाएगा। ये देखिए एक और, ये तो इतना क्यूट सेट है ना, एकदम बहुत प्यारा सा। तो इसके साथ एक ये अंडरवियर भी है, और ये देखिए एक हेयर बैंड भी है क्यूट सा, एकदम ये कॉम्बो सेट है, बहुत प्यारा, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। जैसे भी बच्चों के कपड़े, मतलब जितने भी हमने लिए हैं ना सब, मतलब अंडर 600 अंडर 500 ऐसे लिए, उसके ऊपर नहीं लिए, क्योंकि तो हमने ना एफोर्डेबल रेट में ही इसके जो ड्रेस है वो लिए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हमने ड्रेसेस जो है ना ऑनलाइन से ऑर्डर की हुई है। तो ऑनलाइन से ऑर्डर की हुई है हमने ये जंप सूट, कितना क्यूट है ना, पर्पल पर्पल कलर में। ये देखिए ये रहा पूरा, ये जो है ना यहाँ पे ये बो बांधने के लिए और सेट है। तो ये है देखिए डोंगरी, इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा है ना ये। इसका जो है वाइट कलर का, इसके अंदर जो है टी शर्ट है, और ये इसका डोंगरी वाला, इसका ये वाला पार्ट है क्यूट सा पार्ट है। तो जंप सूट, तो समर का टाइम है और इस तरह के मेलन बना हुआ है, पूरा समर समर वाला फीलिंग दे रहा है ये, तो समर वाला ड्रेस। ये भी है जंप सूट, इसमें भी है ना ये बो बांधने वाला है, तो ये भी। और पापा भी उसके लिए एक फ्रॉक लेके आए थे अभी, तो ये देखिए वो फ्रॉक, ये भी कितनी प्यारी सी, कितनी गॉर्जियस सी ड्रेस है ना, मन कर रहा है कि मैं सारी ड्रेसेस पहन लूँ उसकी, ऐसे 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 करके। ये देखिए ये रहा एक और फ्रॉक। अब आते हैं मेन ड्रेस पे। तो मैंने जो बोला कि अन्नप्राशन होने वाला है, तो अन्नप्राशन की शॉपिंग भी हम लोगों की हो चुकी है कि इप्सिता अन्नप्राशन में क्या पहनने वाली है। तो इप्सिता जो है अन्नप्राशन में हम लोग हल्दी भी करने वाले हैं, हम लोगों के वहाँ होता है, तो हल्दी के लिए एक लहंगा हमने सिलवाया है यहीं से, और जो उसका मतलब बनारसी साड़ी पहनेगी वो अन्नप्राशन के टाइम पर। तो बनारसी साड़ी जो है मैंने ऑर्डर करवाई थी ऑनलाइन, वो भी कोलकाता से ही आई थी, और उसके साथ ना वो माथा का एक सेट था जो बंगाली लोग पहनते हैं ना, टोपर बोलते हैं, वो वाला भी आया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और हमने ना उसकी भी जो है चुनरी डिज़ाइन करवाई है, और ब्लाउज और साड़ी तो ऑलरेडी था। पहले मैं इप्सिता की जो हल्दी की ड्रेस है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ना उसके पापा ने डिज़ाइन करवाई है, फैब्रिक वगैरह खरीद के हमने टेलर से इसको स्टिच करवाया है। तो ये देखिए ये येल्लो कलर का लहंगा है उसका, इसमें है ये गोटा पट्टी नहीं, मतलब लेस लगाई है हमने, इसमें छोटे छोटे सीक्वेंस का वर्क है। तो ये रहा उसका लहंगा, और उसका ब्लाउज तो इतना स्टाइलिश बनवाया ना उसके पापा ने, वाह किए है ना क्यूट सा। तो ये है इसका फ्रंट डिज़ाइन, और ये है इसका बैक डिज़ाइन। ये रहा उसका चुनरी, अन्नप्राशन के टाइम पे पहनने वाली है वो बनारसी साड़ी। उसका ये ब्लाउज है, तो ये रेड एंड गोल्डन कलर में है। तो यहाँ पे ये देखिए ये रहा ऊपर का ब्लाउज। जो चुनरी है ये हमने डिज़ाइन करवाई है, क्योंकि साड़ी है ना तो उसके साथ चुनरी थी नहीं, तो चुनरी ये है, इसमें हमने ये लेस लगा के नेट का फैब्रिक खरीद के। ये रहा दुपट्टा, और ये रही देखिए छोटू सी साड़ी। तो ये देखिए इसका ये सामने का जो है प्लेट्स आएंगी, और ये जो साइड से जो हमारा पल्ला पड़ता है ना, ये रहा, ये ना ऑलरेडी स्टिच्ड है, तो ये ऐसे करके सामने उसके कंधे पे ऐसे जाएगा।